बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स की जो कंडीशन है उसे हम कोलेलिथियासिस भी बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी है, बिलरी पैथोलॉजी है ये आपकी। इसकी इंसिडेंस जो है वो 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन में होती है। बहुत सारे पेशेंट आपके पास जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और 10 to 20% ऑफ पेशेंट जो हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, और बहुत कम पेशेंट जो हैं वो किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये मोस्ट कॉमन होती है फीमेल्स में मोर देन मेल्स अबव द एज ऑफ 40, एंड मोस्ट कॉमन इन फैटी फीमेल्स। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि ये हमारे पास जो है वो तीन टाइप के स्टोन्स होते हैं। इसमें कोलेस्ट्रोल स्टोन्स होते हैं, पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, एंड मिक्स स्टोन्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये स्टोन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं और कैसे ये आके आपके गाल ब्लैडर में डिपॉजिट हो रहे होते हैं। जो कोलेस्ट्रोल स्टोन्स हैं वो आपके पास तब बन रहे होते हैं जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है। कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है लाइक जो आप कोई डाइट ले रही हैं, वेस्टर्न डाइट जो कोलेस्ट्रोल रिच डाइट्स होती हैं, या पेशेंट जो है वो ओबीस है उसकी बॉडी में वैसे ही कोलेस्ट्रोल कंटेंट ज़्यादा है, या फिर प्रेग्नेंट फीमेल है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती है, या फिर जो है उसकी बाइल साइड जो है वो स्क्रीट नहीं हो रहे। क्योंकि हमें पता है कि जो बाइल साइड्स हैं वो कोलेस्ट्रोल के साथ मिलके स्टोन्स की फॉर्मेशन कराते हैं, तो दोनों में अगर कोई पैथोलॉजी होगी तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रोल स्टोन्स की डिपोजिशन हो जाएगी गाल ब्लैडर। अब बाइल साइड सेक्रेशन क्यों हो सकती है, या कोई आई एल की क्रोहन्स डिजीज है, या फिर जो है वो आई एल रिसेक्शन हो गई है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि एंटी न्यूक्लिएटिंग फैक्टर जो बाइल में हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, या फिर जो है वो गाल ब्लैडर की मोर्टालिटी रिड्यूस्ड हो गई है जिसकी वजह से बाइल सारा ड्रेन नहीं होंगे और वो वहाँ पे रहेंगे और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर स्टोन की फॉर्मेशन होती रहेगी। पहले ये क्रिस्टल्स बनेंगे और इनकी ग्रोथ हो जाएगी विद इन द स्टोन्स, इस तरह कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं। अब मिक्सड ऑफ सॉफ्ट स्टोन जो आपके होते हैं वो कैसे बन रहे होते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल या दूसरा डेब्रिस जो होता है उसकी बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हो जाती है। जब कॉलोनाइजेशन होती है तो वहाँ पे बिलीरुबिन, हमें पता है कि एक पिगमेंटेड आपका एक पिगमेंटेड केमिकल होता है, तो उसकी जब डीकोलोनाइजेशन होती है तो वहाँ पे डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे पिगमेंट स्टोन्स बन रहे होते हैं। फर्दर हम इसको आगे पढ़ेंगे कि किस तरह ये स्टोन्स बनते हैं, इनमें क्या चीज़ें होती हैं और ये कैसे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये आपकी डेविडसन का टेबल है जिसमें बताया गया कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कोलेस्ट्रोल टाइप के जो गॉल स्टोन्स हैं उनको लीड कर रहे होते हैं। सेम ये वही फैक्टर्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कोलेस्ट्रोल सेक्रेशन ज़्यादा हो गई है, लाइक पेशेंट इज़ ओल्ड एज, फीमेल प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, या रैपिड वेट लॉस हुआ है पेशेंट का। इम्पेयर्ड गॉल ब्लैडर है कि एम्पटिंग हो रही है, जिसमें क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी है तो एब्डोमिनल कंटेंट ज़्यादा है, एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा है तो गाल ब्लैडर एम्पटी नहीं होगा, या पेशेंट की फास्टिंग है, या फिर पेशेंट जो है वो टीपीएन पे यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है, या फिर कुछ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। और बाइल साइड की सेक्रेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेगनेंसी में कम हो गई। अब जो बात याद रखने वाली है ना, ये फीमेल जेंडर है। फीमेल जेंडर जो है ना, इसके बारे में हमारे पास कहा जाता है कि 4F जो हैं वो हमारे पास कॉज करा रहे होते हैं गॉल स्टोन्स। 4F में एक आपका फीमेल आता है, एक आता है फर्टाइल, एक आता है अबव द एज ऑफ 40, और एक आता है फैटी। 4F जो होते हैं वो आपके गॉल स्टोन की फॉर्मेशन करा रहे होते हैं, स्पेशली जो कोलेस्ट्रोल टाइप के गॉल स्टोन्स होते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो कोलेस्ट्रोल गॉल स्टोन बन रहे होते हैं। देखें, ये बिलरी कोलेस्ट्रोल है और ये बाइल साइड्स, ये दोनों मिलेंगे तो क्या मेसेस बन रहे होते हैं। ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि इसमें बाइल साइड्स की फॉर्मेशन होती है फॉस्फोलिपिड्स के साथ मिलके, और ये कंसंट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रोल जो है ना, जिनके ऊपर फॉस्फोलिपिड बाइल लेयर होती है, उसकी वजह से सोलिबलाइज होने लग जाता है कोलेस्ट्रोल। तो मेनली जो दो चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं कोलेस्ट्रोल स्टोन्स की फॉर्मेशन में, वो आपके पास क्या होता है, आपका या तो बिलरी कोलेस्ट्रोल है या फिर बाइल साइड्स। अब आते हैं हम पिगमेंटेड स्टोन की तरफ। जो आपके पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, या आपके पास जो है वो ब्लैक हो सकते हैं या हो सकते हैं ब्राउन।
अब ब्लैक जो होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, उसमें आपका कैल्शियम आ सकता है जो कि पॉलीमराइज होता है, बारबिट्यूरेट्स आ सकते हैं, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन्स आ सकती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम किस किस फॉर्म में आ रहा है? कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में आ रहा है, या कोलेस्ट्रोल भी ब्लैक स्टोन की फॉर्मेशन करा सकता है। अब ब्लैक जो स्टोन्स हैं वो किस लिए, उसमें हिमोलिसिस हो रही होती है, ये एक एमसीक्यू है हिमोलिसिस वाला, कि जो हिमोलिसिस होती है वो आपके पास क्या लीड कर रही होती है? वो ब्लैक पिगमेंटेड गॉल ब्लैडर स्टोन्स की फॉर्मेशन करा रही होती है। इसके अलावा एज पेशेंट की ज़्यादा है, हेपेटिक सिरोसिस हो गई है, रिसेक्शन हो गई है, और इसके अलावा जो ब्राउन बन रहे होते हैं वो कैल्शियम बिलिरुबिनेट क्रिस्टल्स की वजह से बन रहे होते हैं, या फिर म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन की डिपोजिशन हो रही होती है। अभी आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कोलेस्ट्रोल जो है ना, अगर वो पिगमेंटेड स्टोन बनाते हैं तो वो दोनों टाइप के पिगमेंटेड स्टोन बना रहा है, ब्राउन भी और ब्लैक भी, और इन कैल्शियम पार्मिटेट। अब ब्राउन जो है उसके रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें अगर बाइल वहाँ पड़ा पड़ा इन्फेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली बाइल कलर्ड होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो अगर इन्फेक्ट हो गया तो वो भी ब्राउन कलर का होगा, या फिर बाइल की स्टेसिस हो गई है, बाइल वहीं पे पड़ा रहा है तो उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी वो कन्वर्ट हो सकता है ब्राउन कलर स्टोन्स में। इसके अलावा स्मॉल स्लजेस होती हैं, बिल्डरी स्लजेस होती हैं, लाइक जैसे सैंड है ना, इस तरह के स्लजेस होते हैं, छोटे छोटे कॉन्टेंट मिल के स्टोन लाइक अपेरेंस दे रहे होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इसमें आपका जेलेटिनियस बाइल आ सकता है, जिसमें माइक्रोस्फेरोलिट्स ऑफ कैल्शियम बारबिट्यूरेट्स आ सकते हैं, सॉरी बिलीरुबिनेट आ सकते हैं, और इसके अलावा कोलेस्ट्रोल के क्रिस्टल हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो बिल्डर स्लज की फॉर्मेशन करा सकती हैं। अब ये देखिए, ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू है कि ये सारे टाइप ऑफ स्टोन जो हमने पढ़े हैं ये इसकी सारी पैथोफिजोलॉजी थी। हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स के स्टोन के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा। अब पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा? ये आपका गॉल ब्लैडर है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर। अब इसमें ये जो स्टोन्स पड़े हुए हैं इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है? अब ये यहाँ पड़े हैं, ये पेशेंट आपके पास एसिम्प्टोमेटिक भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है स्किन इन्फेक्शन के साथ, यानी एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ये आपके स्टोन जो हैं वो किसी तरह ये सीबीडी में चले गए, कॉमन बाइल डक्ट में चले गए, या हार्ट में पाउच में आप चले गए, तो उसकी वजह से बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसमें आपका पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? उसमें आपका पेशेंट जॉइंडस के साथ प्रेजेंट करेगा, या फिर आपका पेशेंट जो है वो एम्पिला वेटर पे आके अगर फंस गया है स्टोन, तो वो आपका पेशेंट आपके पास गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से पैंक्रियाटाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। ये डेविडसन की डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि कैसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि 80% ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या फिर बिलरी कॉलिक एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, या फिर क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? एम्पाइमा हो सकता है। व्हाट इज एम्पाइमा? एम्पाइमा पस फॉर्मेशन होती है, पोर्सिलिन गॉल ब्लैडर, पोर्सिलिन में कैल्सिफिकेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की। फिर आता है कोलिडोकोलिथियसिस। कोलिडोकोलिथियसिस का मतलब ये है कि जो आपका स्टोन है वो आपके सीबीडी में चला गया, या फिर पेशेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या फिर इंटेरोड्यूडिनल फिस्टुला बन सकता है। इसके अलावा जो है वो आपके पास पेशेंट जो है वो ग्रेजी सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर सकता है, गास्टोन आईएस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, या कैंसर के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बहुत लेट डिवेलप होती हैं, मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो आपके पास अर्ली एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के साथ ही प्रेजेंट कर जाते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे? हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री पे पेशेंट आपको क्या बताएगा? हिस्ट्री पे हो सकता है पेशेंट को डिस्पेप्सिया की हिस्ट्री हो, इसके अलावा पेशेंट को जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन की हिस्ट्री हो सकती है। जब आप एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन पे अगर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है तो उसके साइंस मिलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम इसका जो अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है।
अब इसके अलावा हम इसकी MRCP करा सकते हैं, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन करा सकते हैं, LFTs कराएंगे या फिर CBC कराएंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे हम कार्सिनोमास को डायग्नोज कर रहे होते हैं। ये इसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, ये देखें, ये आपका गॉल ब्लैडर है ये पूरा, और इसमें यहाँ पे स्टोन पड़े हुए। अब ये स्टोन ये आपका पड़ा हुआ है, ये स्टोन का आप किस तरह पता चलेगा आपको अल्ट्रासाउंड पे? स्टोन का आपको एक रेडियो ओपेक शेडो मिलता है। इसके अलावा ये देखें, ये पूरा एक शेडो मिल रहा है स्टोन की वजह से ये पूरा। इसके अलावा आपकी जो कार्बेटर की ये वॉल है, इसकी थिकनिंग हुई होती है, अगर इसमें इसके साथ इन्फ्लेमेशन भी है। मोस्टली इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड पे ही आपके जो गार स्टोन्स होते हैं वो डायग्नोज हो रहे होते हैं। इसके अलावा पेरिकोलिडेक्टल फ्लूइड आपके पास मिल जाता है, वो चीज़ें आप जो है वो सर्जरी में पड़ेंगी। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? ट्रीटमेंट में हमारे पास हमेशा से हमने पढ़ा है कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मेडिकल होता है और सर्जिकल होता है। मेडिकली हम पेशेंट को ऐसी चीज़ें देंगे जो उसकी स्टोन की डिसोल्यूशन करा दें, स्टोन को डिजोल्व करवा दें। उसके लिए हमारे पास दो एजेंट्स आते हैं, जिसमें कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड आता है या उर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड आता है। ये दो एजेंट्स जो हैं वो हम दे सकते हैं बाइल हेड के लिए, और ये मार्केट में उर्सोडायोल के नाम से ड्रग आ रही होती है, ठीक है। इसके अलावा कोलिसिस्टेक्टमी होती है, कोलिसिस्टेक्टमी हम इसकी लेप्रोस्कोपिक भी करा सकते हैं, ओपन भी करा सकते हैं। अगर वो स्टोन आपकी बाइल डक्ट में चला गया है तो फिर आप उसकी लिथोट्रिप्सी कराएंगे। लिथोट्रिप्सी इज शॉक वेक लाइक, इसमें आप जो है वो शॉक वेव्स के जरिए, लेजर के जरिए जो है वो स्टोन्स को तोड़ देते हैं। या फिर आप एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरोटमी कराएंगे, स्फिंक्टर के जरिए जाके आप स्टोन को एक्सट्रैक्ट करा लेंगे, या सर्जिकल आप सीबीडी जो आपकी बाइल डक्ट है उसकी एक्सप्लोरेशन करा लेंगे। ये थे गॉल स्टोन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोलेसिस्टाइटिस। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मोस्टली पेशेंट आप गॉल स्टोन्स के पेशेंट जो हैं, अगर आपके पास प्रेजेंट किए भी हैं तो वो कोलेसिस्टाइटिस के साथ ही प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। अब ये इन्फ्लेमेशन क्यों क्यों हो सकती है, ये जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, जो कि स्टोन की वजह से हुई है, म्यूकोजल डैमेज की वजह से हो सकती है, किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या कोई ट्यूमर हो सकता है जिसकी वजह से हो सकती है। अभी ऑब्स्ट्रक्शन में ना एक कॉज मिरीजी सिंड्रोम भी आती है, मिरीजी सिंड्रोम में भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट आपके पास कोलेसिस्टाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। अब ये देखिए, आपके पास स्टोन है, स्टोन उसकी आउटलेट की ऑब्स्ट्रक्शन करा देगा। जब आउटलेट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली बाइल जो है वो आपका अंदर ही पड़ा रहेगा, उसकी स्टेसिस होगी, उसमें बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगी और नेक्रोसिस हो जाएगी। एक एग्जांपल है ना कि खड़ा पानी जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है, तो चलता हुआ पानी ठीक होता है, वही एग्जाम्पल यहीं पर अप्लाई होती है कि जो आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्वियसली बाइल बाहर ड्रेनिंग करेगा, अंदर पड़ा रहेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। या फिर उसकी म्यूकोजा की इरोजन हो गई है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाइल सेल होते हैं वो टॉक्सिक हो जाते हैं और उनकी वजह से उसकी डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये कॉज होते हैं। अब कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट आपके पास कैसे आएगा? गॉल स्टोन का पेशेंट कोलेसिस्टाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन कोलेसिस्टाइटिस के बहुत सारे काजेज हैं, सिर्फ गॉल स्टोन तो नहीं है। जो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, इसमें पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन होगी, शोल्डर टिप पेन होती है, इसकी रेडिएशन होती है। हिस्ट्री में आप पेशेंट से पूछते हैं ना कि आपकी दर्द कहीं और तो नहीं जा रही, तो वो ये शोल्डर टिप पेन आप पूछ रहे होते हैं। इसके अलावा मर्फी साइन होता है। अब मर्फी साइन क्या होता है कि जब आप पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पे प्रेस करते हैं 9th इंटरकोस्टल स्पेस में, तो पेशेंट अपना ब्रेथ होल्ड कर लेता है क्योंकि उसे पेन हो रही होती है, तो इसको आप मर्फी साइन बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव होता है कोलेसिस्टाइटिस में। इसके अलावा पेशेंट आपके पास जॉइंटलेस के साथ आ सकता है, अगर सीबीडी की ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ऑब्वियसली बाइल ड्रेन ही नहीं होगा तो उसकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएगा, जो बिलीरुबिन है तो उसकी वजह से पेशेंट आपके पास जॉइंटलेस से आ जाएगा। या पेशेंट मिरीजी सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। मिरीजी सिंड्रोम में क्या होता है कि एक्सटर्नल कंप्रेशन हो रही होती है, जो हार्ट में पाउच या सीबीडी में स्टोन होता है तो वो स्ट्रेसिस करा रहा होता है बाइल की, जिसकी वजह से सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है।
अब हम पेशेंट को डायग्नोज कैसे करेंगे? ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, पेशेंट एक एक्टिव और एक्यूट इन्फेक्शन के पास आपके पास आ रहा है, तो उसमें WBCs उसके ज़्यादा होंगे, उसको ल्यूकोसाइटोसिस होगा, उसकी लीवर एंजाइम जो है ना वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये मोस्टली अमाइलेज जो है वो पैंक्रियाटाइटिस में या कोई लीवर डिजीज में रेज होते हैं, लेकिन माइनरली रेज होते हैं वो कोलेसिस्टाइटिस में। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन पे भी आपको जो है अगर स्टोन्स हैं तो वो मिल जाएंगे, जो भी कॉज है आप थोड़ा बहुत इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आपको एक्सटेंडेड गॉलब्लैडर मिल सकता है। इसके अलावा आप इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लेकिन पेशेंट के लिए अल्ट्रासाउंड प्रोब से भी आपको थोड़ा मर्फी साइन का पता चल जाता है, ये क्योंकि टेंडर एब्डोमेन होता है पेशेंट का, तो अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा पेनफुल होता है इस पेशेंट के लिए। अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे? कोलेसिस्टाइटिस को हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं और सर्जिकली भी कर सकते हैं। इसके लिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आप मेडिकली मैनेज करें, उसके बाद इसकी सर्जरी करा दें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप इसकी फ़ौरन से सर्जरी करा दें। टू डिफरेंट रीजन एंड टू डिफरेंट थॉट्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द बुक वी हैव टू मैनेज बोथ मेडिकली एंड सर्जिकली। मेडिकली हम क्या करेंगे, आपके पास फॉरन पेशेंट आया है, पेन के साथ आया है, आपने सबसे पहले उसको रिससिटेट करना है, उसको NPO कर देना है, उसको IV फ्लूइड्स देना स्टार्ट कर देते हैं, एनाल्जेसिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, जिसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है टैजोबैक्टम और मेट्रोनिडाजोल जो है वो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो हम इसमें दे रहे होते हैं। सर्जिकली आप पेशेंट को कैसे मैनेज कर रहे होते हैं? मोस्टली वो कहते हैं कि सर्जरी एक ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तब तो आपने करानी ही सर्जरी है, लाइक एम्पाइमा बन गया है या कोई और कंडीशन हो गई है, तो उसमें तो आपने करानी ही पेशेंट की सर्जरी है। लेकिन सर्जरी जो है वो आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। इस तरह जो है वो आप कोलेसिस्टाइटिस के पेशेंट को मैनेज कर रहे होते हैं। ये आपकी बुक से हमने मार्क करना है कि हमने कैसे कैसे बुक से पढ़ना है। इसको हम मार्क करते हैं। अच्छा जी, इसमें आपने जो चीज़ें याद रखनी है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 7% मेल्स में कॉमन है, 15% फीमेल्स में, और एज अबाउट द 40 मैंने आपको पहले भी बता दिया 4F की हेल्प से आपने इसको याद रखना है, वो एक निमोनिक। इसके अलावा ये जो है टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर में, और ये टेबल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जो बातें हैं ये देखें, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि कैल्शियम साल्ट्स होते हैं इसमें, कैल्शियम बिलीरुबिनेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड पार्मेटेट। कैल्शियम कितनी फॉर्म में आकर डिपॉजिट हो रहा है। इसके अलावा जो है कोलेस्ट्रोल स्टोन्स में भी हमने पढ़ लिया कि बाइल एसिड, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं उनकी एसोसिएशन होती है, तो उसकी वजह से वेजिकल्स वगैरह की फॉर्मेशन हो रही होती है और कोलेस्ट्रोल स्टोन बन जाते हैं। इनमें बहुत कम कम चीज़ें यही आपने करनी है, मेनली आपने टेबल्स करें। पिगमेंट स्टोन्स में हमने पढ़ लिया कि ब्राउन क्रम्बली स्टोन्स होते हैं, जिस जो बैक्टीरियल या पैरासिटिक बिलरी इन्फेक्शन की वजह से हो रहे होते हैं, और कैल्शियम बिलीरुबिनेट को भी प्रेसिपिटेट, और ब्लैक पिगमेंट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमोलिसिस जो होता है ना वो इसका मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये आपका MCQ है, ये जो है ये आपका MCQ है। सॉरी मेरा ना एनोटेटर वर्क नहीं कर रहा गुड। ये आपका MCQ है। ठीक है, अब इसके बाद बिलरी स्लजिस में भी हमने पढ़ लिया कि कैल्शियम बिलीरुबिनेट ग्रैन्यूल्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स आ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास जो है वो पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, बिलरी पेन के साथ आ सकता है, ये चीज़ें अंडरलाइन है, आपने बस यही करनी है, क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स पे आपने सिर्फ डायग्नोज करना होता है। पेन एपिगैस्ट्रियम में हो सकती है पेशेंट की, राइट अपर क्वाड्रेंट में हो सकती है, स्कैपुला पे जा सकती है। इसके अलावा पेशेंट को फैटी फूड इंटॉलरेंस हो सकती है, डिस्पेप्सिया हो सकता है, या फिर गॉलस्टोन डिस्पेप्सिया भी इसको बोलते हैं, म्यूकोसेल्स बन सकते हैं, पोर्सिलिन गॉलब्लैडर हो सकता है, या फिर कोलिडोकोलिथियासिस के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकते हैं। ये टेबल भी हम कर चुके हैं, ये आपने भी करना है, इसमें कॉम्प्लिकेशन सीखने हैं, कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो आपके पास फिस्टुला के साथ प्रेजेंट कर सकता है, गॉलस्टोन IS के साथ आ सकता है, मिरीजी सिंड्रोम के साथ आ सकता है, कोलिडोकोलिथियासिस के साथ आ सकता है, या फिर गॉलस्टोन पैंक्रियाटाइटिस के साथ आ सकता है। ये सारी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? अल्ट्रासाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इसके अलावा CT, MRCP, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी आप पेशेंट का करवा सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीट कैसे करेंगे, ये हमने पहले भी कर लिया कि या फिर आप उसको कुछ एजेंट्स होते हैं वो दे देंगे जिसकी स्टोन की डेजोलेशन हो जाएगी, या फिर जो है आप उसकी सर्जरी करा दो। सर्जरी करा सकते हैं, सर्जरी आप लेप्रोस्कोपिक भी करा सकते हैं, ओपन भी करा सकते हैं। आजकल वैसे लेप्रोस्कोपिक का दौर है तो मोस्टली
लेप्रोस्कोपी की हो रही होती है। ओके, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, इसमें ये किस तरह, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है गास्ट्रॉन की वजह से, म्यूकस हो सकता है, पैरासिटिक वर्म्स हो सकते हैं, कोई ट्यूमर हो सकता है, या एंडोस्कोपिक बाइल डक्ट की स्टेंटिंग की वजह से पेशेंट डिपेंड कर सकते हैं, या फिर म्यूकोसल डैमेज, हम पूरे पैथोफिजियोलॉजी पहले कर सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ए कैल्कुलस कोलेसिस्टाइटिस हो सकती है। ए कैल्कुलस का मतलब ये है कि स्टोन प्रेजेंट नहीं है लेकिन कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है, तो वो किन पेशेंट में हो सकता है, जो वो पेशेंट जो पेरेंटल न्यूट्रिशन पे हैं, वो पेशेंट जिनमें डायबिटीज़ है, सिकल सेल डिजीज़ है, या फिर आईसीयू के जो पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ कर सकता है, मर्फी सिंड्रोम के साथ कर सकता है, फेवर के साथ भी कर सकता है, मिलीजी सिंड्रोम के साथ कर सकता है, गॉल ब्लैडर एम्फाइमा के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर सकता है। ये सारी पेशेंट की जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। इसके अलावा जब आप कराएंगे तो जिससे आप पहले सीबीसी कराएंगे, सीबीसी पे आपको इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा, ट्रांसमाइनेज एमाइलेज का लेवल ज़्यादा हो सकता है, प्लेन एक्सरे कराएंगे उस पर आपको रेडियो पे गॉलस्टोन्स मिल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। मैनेजमेंट में आप पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, पेन रिलीवर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है ना, वो आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें आपके पास सेफलोस्पोरिन जिसमें सेफरेक्सिम, पेपरासिलिन या टेस्पेक्ट्रम आती है, लेकिन मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी पेशेंट में आप ऐड कर देते हैं। इसके अलावा पेशेंट की एनजी कराएंगे, ये आपकी मेडिकल इसकी मैनेजमेंट है। फिर सर्जरी में तो ऑब्वियसली आपने उसकी कोलेसिस्टेक्टमी करा लेनी होती है। आई होप आपको समझ आया होगा और आप बुक से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू।